हेलो आदाब, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं खालिद, आपको मेरे चैनल अवान एक्शन पे खुश आमदे। दोस्तों, अफगानिस्तान की T20 स्क्वाड का जो है उसकी अनाउंसमेंट हो गई है और ये इंडिया के खिलाफ तीन जो सीरीज की तीन T20 मैच खेलेगी और ये जबरदस्त की टीम को चॉइस किया गया है अफगानिस्तान की टीम, क्योंकि इंडिया की टीम काफी मजबूत है और जो यंग साइट है, चाहे सूर्या कुमार है या उसके साथ और भी कमाल के बॉलर्स है और बेहतरीन बल्लेबाज है, वो इसमें कोई शक नहीं। इंडिया की जो बल्ला वो तो बहुत भारी है। तो अब हम चाहते हैं, हम अफगान जो चाहते हैं कि थोड़ी सी फाइट को दिखने को मिली जाए और हम जीतने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप फाइट नहीं करोगे और पहले से हार मानोगे तो ये नहीं होता। तो फाइट होना चाहिए। इसको लेकर बहुत जबरदस्त की टीम अनाउंसमेंट हुआ है। इब्राहिम जदरान जो है वो कैप्टन है अफगानिस्तान टीम की और रहमत शाह को लेकर गया है और रहमत शाह काफी सीनियर खिलाड़ी है और उसने वर्ल्ड कप में काफी जबरदस्त की बैटिंग की, वो जबरदस्त की प्लेयर है, उसको लेके गया। उसके बाद सर रहमानुल्लाह गुरबाज है, इकराम मलिखेल है कीपर की तौर में, वैसे भी गुरबाज भी है। एक और बात है कि हजरतुल्लाह जाजे को भी चांस दिया गया है और उसको फिर आजमाया जाएगा। गुलबदीन नायब को लिया गया है, सीनियर खिलाड़ी है और उसके साथ जन्नत, जो करीम जन्नत है, उसको भी स्क्वाड में शामिल किया गया है। बाकी सारे वही खिलाड़ी है जो मुजीबुर रहमान है, फारूकी है, नवीनुल्लाह का है और उसके साथ साथ जो है कैस अहमद है, जो काफी अरसे बाद फिर से टीम को में लिया गया है, और राशिद खान को रेस्ट दिया गया था तो वो फिर वापस आ गया टीम में। तो ये काफी जबरदस्त और बैलेंस्ड टीम है, क्योंकि इसमें सीनियर खिलाड़ी भी है जैसे गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी और उसके साथ साथ रहमत शाह को लिया गया है और यंग खिलाड़ी भी बहुत ज्यादा है, और मोहम्मद सलीम जो है ये भी यंग खिलाड़ी है जो इसको भी लिया गया है। आई होप हम देखे उसे। और शरफुद्दीन शरफ जो है वो काफी जबरदस्त की बॉलर है, स्पिन बॉलर है, उसके साथ बैटिंग पर कर रही है, मगर हम सारी उम्मीदें जो है रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जदरान और उसके साथ साथ जो हमारी उभरती हुई सितारा है अजमतुल्लाह उमरजी, ये कमाल के प्लेयर है और हम चाहते हैं कि जिस तरह हार्दिक पांड्या गेम करती है, वो जब भी उसको गेंद हाथ में देते हैं वो विकेट लेते हैं और जब वो बैटिंग पे निकलते हैं वो स्कोर भी करते हैं, उसी तरह ये प्लेयर इसमें टैलेंट है। जब वो बॉलिंग करती है, जो विकेट लेती है और जब बैटिंग करती है, जब भी कहीं पे आप उसको निकाले वो रन भी करते हैं। तो ये कमाल के प्लेयर हैं और जबरदस्त की टैलेंट है, इसमें हमारी बहुत ज्यादा खुशी है जो इस तरह की बेहतरीन खिलाड़ी आ जाए टीम में। तो ये है लाइनअप अफगानिस्तान की टीम में और आई होप राशिद खान बिल्कुल फिट हो और ये सीरीज खेले, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है अफगानिस्तान के लिए। आने वाले वर्ल्ड कप हो रही है और इंडिया जैसी बेहतरीन टीम के साथ खेलना आसान नहीं, वो भी इंडिया में। तो देखते हैं क्या निकलेंगे और क्या हो जाएंगे, मगर इंडिया की टीम इसलिए फेवरेट है कि वो हमेशा अपनी होम ग्राउंड पे कमाल की खेलती है और उसके पास जो है टैलेंट का एक सराज को कहूं कि वो बॉलिंग कैसे करती है जबरदस्त, और विराट कोहली अगर उसको रेस्ट दिया गया तो अच्छा होगा, अगर वो खेलेगी तो फिर से हाई स्कोर उसी का है अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो फिर से वो धमाल दिखाएगी। और स्काई हमारे सूर्या भाई जो है वो तो कमाल है, कमाल। तो देखते हैं, बहुत बढ़िया बैटिंग लाइनअप इंडिया की और बहुत बढ़िया स्पिन लाइनअप अफगानिस्तान की, जबरदस्त की बॉलिंग लाइनअप इंडिया की, और यहाँ पे थोड़ी सी कम है फारूकी और नवीनुल्लाह, फिर भी इन लोग जो है आईपीएल में खेलता है वहां के पीछे पे तो उसकी नजर रहती है और थोड़ी सी एक्सपीरियंस है इंडिया के ग्राउंड में, तो बहुत मजे की मैचेस होगी और इसमें कोई शक नहीं।
बड़ी टक्कर तो इंडिया को देना पड़ेगा, अगर वो जीते या हारे तो मुकाबला तो होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, आपकी क्या राय है अफगानिस्तान की इस स्क्वाड के लिए, तो जरूर अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमेशा की तरह अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।